दरभंगा जिला के शंकरपुर पंचायत में 20वीं रमजान को दावत इफ्तार में सामाजिक सद्भाव व अमन की दुआ के साथ सौहार्द वातावरण में ईद पर्व मनाने का आह्वान किया गया। महागठबंधन नेता मोहम्मद इरशाद आलम की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में सर्वधर्म समभाव का नजारा के बीच रमजान के फजीलत पर चर्चा की गई। प्रदेश राजद प्रवक्ता से पूर्व विधायक ऋषि मिश्र व उप प्रमुख साजिद मुजफ्फर रोजेदार ने कहा, भाईचारा का संदेश देता इस्लाम धर्म में माहे रमजान पर्व की अहमियत सबसे अधिक है। सामाजिक समरसता के संकल्प को मजबूती प्रदान करने को लेकर सामूहिक इफ्तार में शामिल सभी धर्म के लोगों का स्वागत है। 10 दिन बाद ईद पर्व में सभी लोग एक दूसरे की खुशियों में शरीक हो। मौके पर पूर्व मुखिया अहमद अली तमन्ने, अमजद अब्बास, कांग्रेस जिला महासचिव डॉक्टर कमरे आलम, यासर अराफात, पैक्स अध्यक्ष एहतेशाम रिजवी, कैसर खान, सना खान, मिराज अली, मरगू विल्मी सहित अन्य मौजूद थे। हर एक साल आता है, लेकिन इसके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आता है कि समाज में सौहार्द, आपसी एकता, भाईचारा, और इफ्तार में सब लोगों को मन से आना चाहिए और एक ही दुआ करना चाहिए। हम लोग तो खासकर एक ही दुआ करते हैं कि कुछ लोग जो हैं, जो समाज में द्वेष, गलत मैसेज फैलाते हैं, हेट स्पीच देते हैं, उन लोगों से मेरा एक ही आग्रह है, और आज के दिन जब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो ऊपर वाले से हम एक ही दुआ करते हैं, इन लोगों को सद्बुद्धि मिले। मैंने बोला ना, हिंदू मुस्लिम करता है 2% लोग हैं, 2% इधर 2% उधर, और ना हिंदू खतरे में है ना इस्लाम खतरे में है, लेकिन उनकी कुर्सी खतरे में है, और ये सब उसी की लड़ाई है। इफ्तार है तो अच्छा लगता ही है, भाईचारे का संदेश देता है। असल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का मकसद ही यही होता है कि भाईचारे का संदेश दे, और इसी माध्यम से हम लोग संदेश देने का काम करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक ये धरती रहेगी, भाईचारा चलता रहेगा। जो लोग गलत करने वाले लोग हैं वो गलत करते रहेंगे, गलत करते हुए हैं करते रहेंगे, उनसे समाज को कोई बहुत फर्क पड़ने अच्छे समाज को फर्क पड़ने वाली नहीं है।